हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं NHPC के बारे में। इसका हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। देखते हैं कि हमें इसमें सपोर्ट जोन्स कहां पर देखने को मिल रहे हैं और रेजिस्टेंस जोन्स कहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपको ये पता लग सके कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस मूवमेंट किस तरीके का रह सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ। उसके पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे NHPC का चार्ट ओपन कर रखा है और इसको डेली टाइम फ्रेम पे सेट किया है। आज के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो 84 रुपीज 13 पैसा है। आप कह सकते हो करीबन 84 रुपीज पे क्लोज हुआ है। एंड इसका 52 वीक हाई जो बना था वो बना था 118 रुपए 40 पैसे पे, जो कि बना था 15 जुलाई को। तो अगर आप इसके 52 वीक हाई से इसकी करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी करीबन 28% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं इस स्टॉक में हमें पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। कहां पर से इसे सपोर्ट मिल सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। उसके पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपके पोर्टफोलियो में NHPC का स्टॉक है, अगर है तो आपने उसे किस प्राइस पर बाय किया था। तो अभी मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर आप सबसे पहली चीज तो ये नोटिस कीजिए कि इस स्टॉक में जो अप ट्रेंड बना हुआ था, जिस वजह से ये स्टॉक बार बार ऊपर का एक नया हाई बना रहा था, वो बना था इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बनाई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नवंबर 2023 की कुछ कैंडल्स हैं उनको जोड़ा है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 दिसंबर 2023 की जो कैंडल है उसका लो जोड़ा। ये दो पॉइंट्स जोड़ करके जब ये ट्रेंड लाइन बनाई, आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन पर स्टॉक को इस जगह एक बार 14 मार्च को सपोर्ट देखने को मिला। इसके बाद आप देख सकते हैं एक बार फिर से सपोर्ट मिलता है 23 जुलाई को। एंड यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 23 जुलाई को काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ वापस से एक मूवमेंट आया था, लेकिन यहाँ पर अभी जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका भी यहाँ पर अगस्त मंथ में इस जगह पर आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन हो गया है। ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक जब वापस से ऊपर गया तो आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल एक बन रहा था, स्टॉक को इसी जगह पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस मिल गया, जिस वजह से जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं लगातार नीचे गिर रहा है। स्टॉक में जो सेकेंड सपोर्ट था वो यहाँ पर था, जहाँ पर से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन आप देख सकते हैं इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है 17 अक्टूबर को, यानी कि कल के दिन पे इसका भी ब्रेकडाउन हो गया। एंड आज के दिन पे भी स्टॉक जो है वो 0.97% नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी इसमें जो हमें अगला सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है 75 रुपीज़ के जोन पर। इस जोन पर आप देख सकते हैं स्टॉक को सबसे पहले यहाँ पर एक बार रिजेक्शन मिला था, जिसके बाद स्टॉक यहाँ थोड़ा सा नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ पर बाद में ब्रेकआउट भी आया था। बाद में आप देख सकते हैं स्टॉक को इसी जोन पर एक बार इस जगह भी सपोर्ट मिला है। तो स्टॉक के लिए जो अभी फिलहाल सपोर्ट रह सकता है वो 75 रुपीज़ का जोन रह सकता है। अभी इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, इसके पहले के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो भी कुछ खास नहीं थे, जिसके बारे में मैं आपसे अभी वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, स्टॉक में अभी आने वाले दिनों में आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है एंड स्टॉक जो है वो इस सपोर्ट तक आ सकता है। इसके बाद अभी अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लें, क्योंकि हो सकता है बीच में कहीं पर से भी इसमें रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल अगर आता है तो स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर की तरफ से। तो स्टॉक में जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रह सकता है वो यहाँ पर 88 रुपीज़ का जोन रहेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, यहाँ पर भी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर जो 88 रुपीज़ का जोन है वो अभी एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। एंड अगर इसका ब्रेकआउट होता है तब स्टॉक को जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 98 रुपीज़ के जोन पर मिलेगा। 98 रुपीज़ के जोन पर स्टॉक को इस जगह एक बार रिजेक्शन मिल चुका है, इसके बाद स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट भी लिया है, यहाँ कंसोलिडेशन भी हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक को इसी जगह पर अगस्त महीने में भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिला है। तो इसीलिए स्टॉक में जो अगला रेजिस्टेंस है वो 98 रुपीज़ का जोन रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पर होता भी है तब स्टॉक को जो रेजिस्टेंस है वो इसके 52 वीक हाई जोन पर मिल सकता है, जो कि है 118 रुपीज़ का जोन। तो फिलहाल NHPC का जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अभी अगर आपका ये सवाल है क्या हमें इस स्टॉक को एवरेज करना चाहिए, अगर एवरेज करना चाहिए तो किस प्राइस पर करना चाहिए, तो दोस्तों आप एवरेज कर सकते हैं। बिकॉज पहली बात तो कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड समय समय पर डिविडेंड भी देती रहती है, बट इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं।
तो इसीलिए अगर आपको इसे एवरेज करना भी है तो जो सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस किया है, कोशिश कीजिए कि आप उन सपोर्ट लेवल्स पर ही वहां पर अपनी नई पोजीशन बनाएं। अभी मैं स्टॉकेज के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं, यहां पर मैंने एनएचपीसी की डिटेल्स ओपन कर रखी हैं। यहां पर हम फंडामेंटल वाले सेक्शन में आएंगे एंड इसके रिजल्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे आप इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख लीजिए। आप देख सकते हैं जून 2024 में जो इनका प्रॉफिट था वो था 1029 करोड़ का। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जून 2023 का इनका प्रॉफिट देखें वो था 1037 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं क्लियरली आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देख लीजिए सितंबर 2023 में जो इनका प्रॉफिट था वो 1546 करोड़ का था। अभी सितंबर 2024 के रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं। रिजल्ट की डेट आप देख सकते हैं 7 नवंबर 2024 है, तो 7 नवंबर को जब इसके रिजल्ट्स आएंगे और अगर उनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि 1546 के कंपैरिजन में अगर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है तब इस स्टॉक में आपको और ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर स्टॉक काफी लंबे समय तक एक रेंज के बीच में फंसा रह जाएगा। तो फिलहाल एनएचपीसी का जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।